और उधर झांसी में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल झांसी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के सिपाही प्रीपेड बूथ के नाम पर 10 रुपए हर टैक्सी तिपहिया वाहन से वसूली करते हैं, और जबकि झांसी स्टेशन पर कोई प्रीपेड बूथ नहीं है। जीआरपी के सिपाही सादा कागज पर रुपए की एंट्री करते हैं। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इसके बाद डीजी रेलवे जावेद अहमद ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके बाद के न्यूज संवाददाता ने जीआरपी सीओ ओम प्रकाश से बातचीत भी की, तो उन्होंने झांसी रेलवे स्टेशन पर बूथ नहीं होने की बात कही है। आपको बता दें कि जब स्टेशन पर कोई बूथ नहीं है तो फिर क्यों रुपए लिए जाते हैं? ये प्रीपेड का सिस्टम है कि प्रत्येक टेम्पू जो है प्रतिदिन जो है 5 रुपए की रसीद कटेगा, उसको सिपाहियों की ड्यूटी लगती है बाकायदा। अब कोई यहाँ फिक्स बूथ न होने के कारण सिपाही चल के टेम्पू वालों को घेर के जबरदस्ती कुछ टेम्पू वाले बचाव भी करते हैं, वो देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम, ऐसी पर्ची नंबरिंग तो है नहीं जो पर डे नंबरिंग उसमें डाला जाए, और वो टेम्पुओं को घेर घेर के चल चल के उनसे वसूली करते हैं, और वो जल्दी में कुछ टेम्पू चालकों को रसीद नहीं दे पाते। तो ये सिस्टम बना रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं रेलवे के अधिकारियों से संपर्क करके हम एक बूथ बनाएंगे वहाँ, जहाँ फिक्स जगह रहेगी, फिक्स हमारे कर्मचारी बैठे रहेंगे और प्रत्येक टेम्पू का रसीद काट के बाकायदा उनसे पैसे लेकर रसीद तुरंत दे देंगे। तो झांसी की ये तस्वीर है, प्रीपेड बूथ बनाकर दरअसल अवैध वसूली काटी जाती थी, जो तिपहिया वाहन है उनसे अवैध वसूली की जाती थी। और जब इस बात का जिक्र किया गया, जब हमारे संवाददाता ने बातचीत करने की कोशिश की, तो उसमें ये पूरा मसला उजागर हुआ। और जो यहाँ के अलावा वो ये बात कह रहे हैं कि कहीं कोई बूथ फिलहाल नहीं बनाया गया है, लेकिन आप ये चीज, ये तस्वीरों से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रीपेड बूथ बनाकर और जो तिपहिया वाहन चालक हैं उनसे रुपए वसूले जाते हैं। झांसी से संवाददाता कुलदीप अवस्थी जुड़ चुके हैं इस खबर पे। कुलदीप, क्या अपडेट मिल पा रही है? सोनी, अभी बात हुई है यहाँ क्षेत्र अधिकारी से, उन्होंने ये, हेलो जी कुलदीप, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी 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 सोनी जी, क्या अपडेट मिल पा रही है? अब तक इस पूरे मसले का संज्ञान भी लिया गया है, और जो सिपाही हैं जो अवैध वसूली करते हैं उनसे पूरा विवरण भी मांगा गया है, तो कार्रवाई कहां तक पहुंची है? अभी झांसी सीओ जीआरपी की ओर से एक पत्र जारी किया गया है मुख्यालय को कि यहां पर प्रीपेड बूथ की आवश्यकता है उस बूथ को बनाए जाने के लिए। हालांकि ये कागजी कार्यवाही देखने को मिल रही है, इसके अंदर जो तुरंत गति से काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जो डीजी जावेद अहमद साहब का जो आश्वासन है उस पर काम होता पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी भी वो जिस तरह से जो वो वसूली कर रहे थे वो अभी भी काम जारी है, अभी भी रसीद काट के नहीं दी जा रही है और ना ही यात्री उसको सुविधाएं मिल पा रही है। जी जी कुलदीप, अवैध वसूली का सिलसिला अभी भी जारी है, जिस तरह से आपने बताया कि इसके बावजूद भी, इस पूरे मसले का संज्ञान लेने के बावजूद भी, हालांकि विवरण तो मांगा लेकिन विवरण के नाम पर महज खानापूर्ति ही होती नजर आ रही है, क्योंकि ये अवैध वसूली का सिलसिला अभी भी जारी है, किसी तरह की कोई रोक नजर नहीं आ रही है इसको सोनिक, जब सीओ से ओम प्रकाश जी से बात की गई तो उन्होंने अपना पक्ष रखने का जो तरीका था वो ये था कि प्रीपेड के नाम पर ही ये पैसा लिया जा रहा है और ये पैसा राजकोष में जमा किया जाएगा। लेकिन के न्यूज का सवाल अब भी वही है कि जब प्रीपेड की सुविधा यात्रियों को नहीं मिल पा रही है तो फिर उसका शुल्क क्यों लिया जा रहा है ड्राइवरों से? या तो आप सुविधा दो तो उसके बदले शुल्क लो, आप सुविधा देने को तैयार नहीं हो, आपके पास बूथ है नहीं, आपके पास में ऐसा अरेंजमेंट नहीं है जिससे कि यात्रियों को एक रेट लिस्ट मिल पाए कि उनको कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है, कितना पैसा लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वसूली करनी है और आप ये कह रहे हैं कि बूथ बनाया जाएगा, जब तक बूथ बनाया जाएगा तब तक के लिए वसूली क्यों नहीं रोकी जाएगी? ये एक बड़ा बिल्कुल कुलदीप सवाल अहम है और सवाल बड़ा है, और जो तिपहिया वाहन है वो भी अपनी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब प्रीपेड बूथ का उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आखिर उनसे वसूली क्यों की जा रही है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और यही सवाल के न्यूज भी उठा रहा है कि जब इसका लाभ इन तिपहिया वाहन चालकों को नहीं मिल पा रहा है तो आखिर वसूली किस नाम की जा रही है, और एक सादे कागज में बाकायदा इन रुपयों की एंट्री की जा रही है। कुलदीप,
आगामी दिनों में ये सादे कागज की जगह रसीद कट्टा काटने लगे, लेकिन उस रसीद से भी कोई मतलब निकल के सामने नहीं आ पा रहा। जब तक आप प्रीपेड की सुविधा यात्रियों को नहीं देते हैं, तब तक आपको पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं है। सीधी सी बात है कि सुविधा का शुल्क होता है, जब सुविधा नहीं तो शुल्क किस बात का, ये बात उठाई जा रही है। जी बिल्कुल कुलदीप, पानी में रहना है तो मगरमच्छ से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, और ऐसा ही कुछ इन तिपहिया वाहन चालकों का कहना है। अब फिलहाल आपने इनका रुख जानने की कोशिश की, क्या कुछ रुख निकलता नजर आ रहा है? सोनी, अब यहाँ पर डरे सहमे से हैं ये लोग, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। ये लोग अब शांत हैं और अब कैमरे को देख के ये भाग रहे हैं। इनका कहना ये जो भी बोलेगा उसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी, 1000 रुपए उसके शुल्क लगा दिया जाएगा। इस वजह से कोई सामने आना तैयार नहीं है, लेकिन जो लगातार कैमरा कैद कर रहा, आज भी जो फुटेज कैमरे में आए हैं वो वही कहानी बयां कर रहे हैं कि उस ढर्रे पर जो चल पड़ा है जीआरपी का महकमा, वो अभी भी उसी पे दौड़ने को तैयार है। जी कुलदीप, डीजी रेलवे ने इस पूरे मसले का संज्ञान लेने के बाद इन जो जीआरपी के सिपाही हैं अवैध वसूली कर रहे हैं, विवरण भी मांगा और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, तो वो आश्वासन क्या बिल्कुल खोखला साबित होता नजर आ रहा है? अब तक का हालिया स्थिति तो यही है, अगर ये जीआरपी झांसी चाहे तो एक अस्थायी रूप से जो उनका प्रॉपर बूथ बनना है, उस बूथ बनने तक ये एक अस्थायी बूथ बना सकते हैं और उस बूथ पर पूरा ये काम कर सकते हैं जब तक कि इनको रेलवे बूथ प्रोवाइड नहीं करा रहा। लेकिन यदि वो बूथ बनाएंगे तो पूरा का पूरा काम लिखापली में करना पड़ेगा, और फिर जो पैसा अर्न होगा वो पैसा सीधा राजकोष में चला जाएगा। फिर जो बीच की ये मिली भगत चलती है, जो भी कागजों पर लिख के उसको बाद में उसकी खाना पूर्ति कर लेते हैं, फिर वो नहीं हो पाएगा। ये इसीलिए कर रहा है कि ये बूथ यहाँ पर ना बने, सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है कि बूथ की अगर ये चाहे तो ये अस्थायी बूथ बना सकते हैं। जी कुलदीप, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के न्यूज लगातार इस खबर पर बना हुआ है और प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है, और के न्यूज में खबर दिखाए जाने के बाद से डीजी रेलवे ने इस पूरे मसले का संज्ञान भी लिया है, और के न्यूज को इस बात का आश्वासन भी दिया है कि इस पूरे मसले में जो लिप्त अवैध वसूली करने वाले सिपाही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर उसमें पूरी तरह से वो कमी और खामी पाई जाती है। लेकिन ये महज एक खोखला आश्वासन साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि अवैध वसूली का सिलसिला लगातार जारी है।